हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन की न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन के लिए जो है रियलमी ने न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट कर दिए C.03 की। तो उसी की पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस अपडेट के दौरान जो रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन में क्या कुछ नए चेंजेस हुए हैं और साथ में ये अपडेट आपको कब तक मिल जाएगी और मैनुअली अपडेट आपको किस तरह से करना है। तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो एक बार सेटिंग्स में जाकर चेक कर लेना कि आपको जो OTA अपडेट रिसीव हुई है या फिर नहीं। तो मेरे को जो है यहाँ पर OTA अपडेट नहीं मिली है, तो आपको मैनुअली अपडेट करके भी मैं दिखाऊंगा। तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको लिख देना रियलमी 5 प्रो न्यू अपडेट। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ रियलमी 5 प्रो न्यू अपडेट और लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप सीधा आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोड हो चुकी है वेबसाइट और आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो है रियलमी के जितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी के सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल करवा दिए जाते हैं रियलमी की तरफ से। तो ये देख सकते हैं रियलमी 5 आई यहाँ पर आ चुका है, तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और यहाँ पर हमें रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन को ढूंढ लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन यहाँ पर आ चुका है और रियलमी UI का वर्जन देख सकते हैं, वर्जन है 1.0 और यहाँ पर अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं C.03 की न्यू अपडेट हमें यहाँ पर मिल चुकी है और रिलीज टाइम आप इसका देख सकते हैं 30 अप्रैल को जो है ये अपडेट जो है रिलीज हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल अभी भी कई यूजर्स को ये अपडेट जो है OTA अपडेट नहीं मिली है। तो मैनुअली अपडेट बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो आपको ये 3.16 GB की पूरी फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ और बाद में आपको बताऊंगा कि आपको मैनुअली अपडेट कैसे करना है। तो अपडेट लॉक पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके फीचर्स यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो हमें अप्रैल 2020 का प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एडेड डॉक्यूमेंट वॉलेट ID फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ये कुछ वॉलेट का फीचर ऐड किया गया है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर ID कुछ एक्स्ट्रा जो है सेव करके रख सकते हैं और यहाँ पर कुछ इश्यूज़ वगैरह थे उनको फिक्स कर दिया गया फ्रेंड्स। और आगे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड ऑडियो क्वालिटी ऑफ थर्ड पार्टी एप्स। जब आप अपने रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन में किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते थे तो वहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं थी, तो उसको यहाँ पर इंप्रूव कर दिया गया है। और आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर फीचर्स, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ मोस्ट फीचर्स इसके बता दूंगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं फिक्स्ड द इश्यू दैट द अलार्म इज ऑटोमेटिकली टर्नड ऑफ आफ्टर बीइंग क्लियर्ड बाय द बैकग्राउंड टास्क। जब आप अपने रियलमी 5 प्रो स्मार्टफोन के अंदर अलार्म को सेट करते थे तो उसके बाद जैसे आप रिसेंट टास्क से उसको क्लियर कर देते थे तो वहाँ पर जो आपका अलार्म जो वो ऑफ हो जाता था, तो उस इश्यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया फ्रेंड्स। तो यही थे कुछ चेंजेस इसके, आप इन्हें एक बार और पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो फिलहाल चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैनुअली अपडेट किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इस पर क्लिक करके कन्फर्म करके यहाँ से इस पूरी फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फिलहाल मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं है और मेरे पास इसकी फाइल ऑलरेडी पड़ी है डाउनलोड करके। तो चलिए मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैनुअली अपडेट करने के लिए आपको जो फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी फाइल मैनेजर का जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो फोन स्टोरेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको जो स्क्रॉल स्लाइड करना है यहाँ पर और यहाँ पर ऑल फाइल्स में जिस भी फोल्डर में आपने अपनी फाइल को डाउनलोड करके रखना है उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने ये जो रियलमी 5 प्रो का फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो जैसे आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की जिप फाइल वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रियलमी 5 प्रो के सॉफ्टवेयर की, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऊपर एक नोट आ जाता है अपडेट सिस्टम का और नीचे कुछ इसकी अटेंशन आ जाती है, आप देख सकते हैं इन्हें, री इंस्टॉलिंग द सिस्टम इज रिस्की, पे अटेंशन टू फोन एंड डेटा सिक्योरिटी। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अपने डिवाइस को मैनुअली अपडेट करते हैं तो आपका डिवाइस जो है वो रिसेट नहीं होगा और आपका जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा, आप इसे आराम से जो है मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मैनुअली अपडेट करना है तो आपको अपग्रेड नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसे अपग्रेड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।